सभासद पद के प्रत्याशी ने बाढ़ पीड़ितों में बांटी राहत सामग्री। घाघरा नदी के जलस्तर में हो रही बेतहाशा वृद्धि से आई बाढ़ से उपनगर में समाहित गांव में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए समाज सेवियों व नाव से घर घर पहुंचकर उनका हाल जाना और लोगों में चावल, चना, बेली, नमक, लाई व दाल आदि राहत सामग्री का वितरण किया। रामामऊ गांव की नई बस्ती में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण करने के पश्चात कहा कि इस दैवीय आपदा से पीड़ित लोगों को हमारा जो भी सहयोग होगा वह देने का प्रयास करूंगा। सैकड़ों एकड़ धान की फसल पानी में डूब गई। बांसगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत भीषण बारिश का प्रकोप इस स्तर तक फैला हुआ है कि धान की फसल डूब गई। जो फसल बचने की थोड़ी बहुत उम्मीद थी वह बाढ़ ने तोड़ दी। अब किसान के सामने रोजी रोटी दोनों की समस्या उत्पन्न हो गई है। हमारा नाम कृष्ण तिवारी है। आप यहाँ धान की जो फसल होती है, धान की खेती होती है उधर, क्या मौसम की मार का क्या प्रभाव रहा? देखिए, इधर तो बारिश बाबू जो है हम कुछ पानी लगा था, उधर से बंधे में जो पुलिया उलिया बनी है वो ढका नहीं गया और उस तरह से पानी से हिसाब से बंधे के अंदर सारी खेतियां जो है गिर गई हैं और पानी के ऊपर से पानी तैर रहा है। तो कितनी कितना धान नुकसान हुआ होगा? अब समझिए, एरिया तो गजपुर से लेकर बसावनपुर की एरिया बहुत लंबी है। अब एकड़ में तो नहीं, कईयों सौ एकड़ में उगाना पड़ेगा। मतलब पूरी फसल सर वैसे ही बुड़ गई है। विद्युत स्पर्शाघात से 16 वर्षीय युवक की हुई मौत। गोला थाना क्षेत्र के ग्राम निवास में मकान की छत से जा रही एलटी लाइन की स्पर्शाघात से 16 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही गोला पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। ग्राम निवास निवासी रामाकांत का 16 वर्षीय पुत्र किशन कुमार किसी काम से छत पर गया था। मकान के ऊपर से एलटी लाइट का तार गया था। तार के स्पर्शाघात में आ जाने के कारण तत्काल घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर गोला पुलिस मौके पर पहुंची। गोला पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। गोला की तरफ से पीपा का पुल बहते बढ़लगंज पहुंचा। गोला की तरफ से पीपा का पुल बहते हुए बढ़लगंज पहुंच गया, जिसकी सूचना मिलते ही नाविकों द्वारा पकड़ने का काफी प्रयास किया गया, परंतु सरयू नदी की धारा इतनी तेज थी कि पीपा का पुल बह गया। नागरिकों व नाविकों के प्रयास के बाद भी पीपा का पुल पकड़ पाना संभव नहीं हो सका। गोला की घाघरा नदी का पानी तीरा गांव और रतनपुरा व बनकटी गांव में घुसा। बाढ़ का पानी गोला नदी के बढ़ते जलस्तर से क्षेत्रीय गांवों में भय का दहशत का माहौल बना हुआ है। गोला ब्लॉक क्षेत्र के दर्जन भर से अधिक गांवों में आबादी के बीच तक नदी में आए बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, जिससे क्षेत्रीय गांवों में भय व दहशत का माहौल व्याप्त है। धान की खड़ी फसलें पानी में डूबने से किसानों के घरों में मायूसी छाई हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव में राहत एवं बचाव की गुहार लगाई है। नाम है चाचा आपके? सुदर्शन। कहाँ के रहने वाला है? कनराई। बाढ़ आ गई है? बाढ़ आ गया। नदी का जलस्तर बढ़ रहा है? बहुत तेज बढ़ रहा है। कई दिन से बढ़ा दिया चाचा? तीन या चार दिन से बढ़ दिया। तीन चार दिन से बढ़ रही है तो सब कुछ डूब गया है? सब डूब गया। क्या समस्या हो रही चाचा? बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। गाय गोरु है आपके पास? हाँ। सर उसके लहना के लिए दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है। तो ये काट रहे हैं लहना? हाँ। पत्ता खिलाने के लिए कुछ है नहीं? तहसीलदार ब्रिजमोहन शुक्ल द्वारा बिसरा गांव का निरीक्षण कर नाव लगवाया गया। गोला ब्लॉक के बाढ़ग्रस्त बिसरा गांव का तहसीलदार ब्रिजमोहन शुक्ल द्वारा गांव का निरीक्षण कर कुछ नाव लगवा दिया गया है और नाव की संख्या बढ़ाने की बात कही। इस मौके पर ग्रामीणों ने मोटर बोट लगवाने की मांग किया, जिस पर उन्होंने कहा कि यहां मोटर बोट नहीं चल पाएगी।
और लगा ले रही है। हां तीन नाव बिखरा में लगवाए हैं। अभी मैंने लेखपाल को बुलाया है, जा रहा है। अगर मतलब और यहां जाने के बाद लेखपाल को इधर हो एक मंडी मंडी जा मोटर बोट वहाँ मंगवाया है, मोटर बोट यहाँ नहीं चल पाएगा। हमने कोना और दूसरा यही दुकान है। ऐसे स्थिति में जब उनका मेच्योरिटी क्लेम का भुगतान हो रहा है तो उनको उनके हिसाब से पेमेंट नहीं हो रहा है। जैसे हम बताते हैं 2 लाख रुपए का पेमेंट होना है, उनकी मेच्योरिटी क्लेम जो है कि हो रही है 1,70,000 रुपया, तो 30,000 रुपये का जो है कि हम लोग एक या तो झूठा बन रहे हैं या तो हम लोग को झूठा बनाया जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है ना। तो जो हमारी मैनेजमेंट है उनसे मांग हमारी ये है, IRDA से मेरा कहना ये है कि हमारी जो है बोनस को हमारे कस्टमरों का बोनस रेट बढ़ाया जाए, जो हमारी GST है उसको हटाया जाए, जो हम लोन लेते हैं उस पर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको जो है भी कम किया जाए। यही सब मांगों को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन में हैं। ये हमारा जो है कि 4 दिन से हम लोग का ये विश्राम दिवस चल रहा भी करता हूँ का। अगर IRDA और हमारी मैनेजमेंट अगर इस बात को नहीं मानती है तो हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे।